नेपाल की तराई में स्थित रोमनदेई नामक ग्राम से प्राप्त पाषाण स्तंभ पर यह लेख खुदा हुआ है। स्तंभ का ऊपरी भाग खंडित हो चुका है। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि प्रस्तुत अभिलेख को अशोक ने स्वयं अपनी देखरेख में अंकित करवाया था। लेख के अक्षर आकार सुदर्शन और सुडौल हैं। सभी अक्षरों के मानक आकार प्रयुक्त हुए हैं। सावधानी और सतर्कता के साथ इन अक्षरों को यथार्थता के अनुरूप बनाया गया है। इनकी पंक्तियां समानांतर हैं, जिनके बीच की दूरी बराबर रखी गई है। अभिलेख संक्षिप्त है और इसकी लिपि का संबंध मौर्यकालीन अशोकीय ब्राह्मी से है। अभिलेख की पंक्तियां इस प्रकार हैं। देवान पियेन पियदसिन लाजिन वीसति वसाभिसितेन अतन अगाच मही येते हिद बुधे जाते सक्य मुनीति सिला विगड भी च कालापित सिला थभे च उस पापिते हिद भगवम जाते ती लुमिनी गामे उबलिके कटे अठ भागी ये च। अर्थात देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं आकर स्थान की पूजा की थी। क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, यहाँ पत्थर की एक दीवार बनवाई गई और पत्थर का स्तंभ खड़ा किया गया। यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस गांव का कर घटाकर आठवां भाग कर दिया गया। इस अभिलेख में अशोक के लिए देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। अभिलेख के आधार पर कहा जा सकता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध की जन्म स्थली थी। हिद बुधे जाते शक्य मुनीति।